हमारे कुछ प्रोफेसर ने, आपके कल प्रोफेसर बाबा ने, रामदेव ने कल परसों में एक शो में, टेलीविजन शो में कहा कि भाई आपकी इतनी हैसियत कैसे हो रही है कि आप आयुर्वेद को अल्टरनेट अल्टरनेट चिकित्सा क्यों कह रहे हैं, अल्टरनेट चिकित्सा क्यों कह रहे हैं, योग को आयुर्वेद को अल्टरनेट क्यों कह रहे हैं, हमें मेन स्ट्रीम क्यों नहीं कहा जा रहा है। तो वो जहां पर हिट कर रहे थे असल में उसी साइकोलॉजी पर, उसी फिलोसफी पर वो हिट कर रहे थे जिसका कैकोफनी तैयार किया गया कि एलोपैथ जो है वही मॉडर्न मेडिसिन है और वही सब चीज का जो है सो रेमेडी उसी के पास है। तो रामदेव ने ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात रामदेव ने कहा कि मैं 50 वर्ष से कोई दवा नहीं खाया हूं, मैं आपके सामने हूं। अब उसके बाद ये लोग, इतना होने के बाद जो साक्ष्य वो सामने दे रहा है, वो व्यक्ति वो कह रहा है कि मैंने हजारों लाखों लोगों को ठीक किया है, अपने अपने तरीके से ठीक किया है, उसके बाद भी ये लोग व्यक्ति कह रहे हैं कि नहीं, कैसी बात करते हैं, बिल गेट्स को क्या फायदा हो रहा है, इस तरह का सवाल, सतही सवाल पूछ रहे हैं, बिल गेट्स को क्या फायदा हो रहा है। हाँ जी, बोले लोग है जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि बिल गेट्स साहब जो है, हाँ जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन रहे हैं, बोलिए ना। कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन हियर यू। मैं ये कह रहा हूँ कि बिल गेट्स साहब का पहले हाँ बिल गेट्स साहब का ये समझना पड़ेगा कि उनका दखल सिर्फ वैक्सीन इंडस्ट्री में नहीं है, इंडिया में उनका दखल बहुत जगह पे है, फार्म इंडस्ट्री में भी है और बहुत सारी और भी इंडस्ट्रीज होंगी जिसमें होगी उनका दखल होगा। हमें सिर्फ एग्जामिन करने की जरूरत है, आपको पता चलेगा कि वो हर जगह घुसे हुए हैं और उनका इंटरेस्ट है तभी घुसे हुए हैं, कोई वो फिलैंथ्रोपी के लिए नहीं घुसे हुए हर जगह। और इसके ऊपर आपको पता है 2013 में जो HPV ट्रायल्स हुए थे जिसमें कि इनकी एक जो हमारे यहाँ की एक NGO थी जिसका नाम पाथ है और वो बिल BMGF से ही फंडेड है, उसका आपको याद है कि कितने बच्चे उसमें खत्म हुए थे और कितना अनएथिकल ट्रायल्स हुए थे, कितने उसमें मौतें हुई थी बच्चों की, ट्राइबल गर्ल्स की। और उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी पार्लियामेंट में भी डिस्कशंस हुए थे और इसके ऊपर पार्लियामेंट ने उसको दोषी भी पाया था। और उसके बाद बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को एक तरह से बैन भी किया गया था इंडिया के अंदर, और उसके बाद ये वापस कैसे आ जाता है ये समझने वाली बातें हैं, ये आखिर वापस कैसे आ जाती है? जो एक ब्लैक लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका दखल हर जगह है, चाहे वो आपका सीरम इंस्टीट्यूट हो, उसकी भी फंडिंग काफी पार्शियली वो बिल मेलिंडा गेट्स कर रहा है, बायोलॉजिकल ई जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, शायद भारत बायोटेक भी, आप इसको चेक करना पड़ेगा, बट ये सारी जगह पे उनकी फंडिंग है, उनके कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे सब जगह पे है। तो ये ऐसी एजेंसी, ऐसी एजेंसी जो BMGF भारत बायोटेक में भी है, तो सोच लीजिए जो तीन हमारे सो कॉल्ड वैक्सीन जाइंट्स हैं इंडिया के, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, बायोलॉजिकल ई एंड भारत बायोटेक, तीनों में उसका दखल है, तो हम कैसे मान लें कि वो जो है नहीं वो कर रहा होगा, इसमें अपना इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा होगा? और खासकर जिसका कि वो पहले से हिस्ट्री है, इसका कि हमें मालूम है कि इसमें इसका अनएथिकल ट्रायल्स वगैरह का, तो ऐसे लोगों को दोबारा घुसने कैसे दिया जाता है? इसका मतलब हमें ये एग्जामिन करना पड़ेगा कौन लोग हैं जो इसको दोबारा से एंट्री देते हैं। एक बार अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ब्लैकलिस्ट हो जाती है उसको तो दोबारा हमने कभी, और फिर हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत कैसे बन सकता है जब आप दूसरों के पैसे पे आप वैक्सीन बना रहे हैं अपने देश के लिए? एक तरफ बोलते हैं हम वैक्सीन दुनिया भर को प्रोवाइड करते हैं, हम सबसे बड़े वैक्सीन प्रोड्यूसर हैं, ऊपर से आप पैसा ले रहे हैं दूसरे से क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है सफिशिएंट कि हम वैक्सीन बना सके। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पे विचार करना पड़ेगा और सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर हम इनके ऊपर डिपेंडेंट क्यों है, इनकी मजबूरी हमारी क्या है कि हम भारत ये अपनी जो कंपनीज है वैक्सीन कंपनीज है उसमें सारा का सारा दखल इन लोगों का आने दें? हमारे पास क्या इंडस्ट्रियलिस्ट की कमी है? हमारे पास क्या जो है बहुत बड़े जो जिनके पास पैसा है क्या उनकी कमी है? क्या वो लोग फंड नहीं कर सकते? क्या जरूरत है उनसे पैसा लेने की बिल गेट्स साहब से या बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से?